भाइयों बहनों, हमारे सेना के जवान 40 साल से वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे थे, सरकार को प्रतिवेदन देते रहते थे। वे देशभक्ति से भरे लोग, डिसिप्लिन से जीने वाले लोग, कभी पुतले जलाने के लिए नहीं निकलते थे। हर बार कहते थे कि हमें न्याय कीजिए। 40 साल तक किसी सरकार ने उनकी नहीं सुनी। देश की सेना के निवृत्त लोगों की भी नहीं, वर्तमान में है उनकी भी नहीं। और कांग्रेस तो उनको धोखा ही देती रही, धोखा ही देती रही। आप हैरान हो जाएंगे। ये बड़े ऐसे लोग हैं जी, जैसे यहां आपके राजस्थान में वादे करके अभी चढ़ बैठे हैं, ऐसे जब झूठे वादे की किसानों को, नौजवानों को। भाइयों बहनों, उस समय उन्होंने देश की सेना के साथ ऐसा किया, देश के वीर जवानों के साथ ऐसा किया, देश के लिए मरने मिटने के लिए प्राण लेने वालों के लिए क्या किया। चुनाव था, उनको मालूम था कि मोदी वन रैंक वन पेंशन लेके आएगा, तो उन्होंने क्रेडिट कमाने के लिए क्या कह दिया, बोले वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया। और किया क्या, बजट में 500 करोड़ रुपयों का टीका किया, टीका सिर्फ सुकून किया। भाइयों बहनों, जब हम आए हमने सोचा चलो भाई 500 नहीं तो 1500 में होगा, 1500 नहीं तो 2000 करोड़ में होगा। जब हमने हिसाब लगाया, अब तक हम 35,000 करोड़ रुपया सेना के जवानों के खाते में जमा करा चुके हैं। भाई सीधे बैंक में जमा करवाए हैं। जो 30 साल पहले रिटायर्ड हो गया उसके घर भी पैसे पहुंचाए। कहां 500 करोड़ और कहां 35,000 करोड़ रुपया, मुझे बताइए ये सेना के साथ धोखा है कि नहीं है, ये झूठ बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे, आपको अपमानित कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। लेकिन हमने आपके जीवन की ओर देखा, आपकी त्याग तपस्या की ओर देखा, तिजोरी में क्या है क्या नहीं इसकी परवाह नहीं की, हमने आपके चरणों में लगा दिया। दोस्तों, साथियों, दशकों से मांग हो रही थी कि देश में हमारे फौजियों के, सुरक्षा बलों के बलिदान को समर्पित एक स्मारक राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल होना चाहिए। आजादी के बाद देश की इतनी लड़ाइयों में शहीद होने वाले लोग, देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले लोग, हमारी नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले इसलिए देश की 5-5 पीढ़ी के सेना के जवान एक नेशनल वॉर मेमोरियल की मांग कर रहे हैं। और दिल्ली में बैठी हुई सरकार और एक परिवार 55 साल तक इस देश पर एक परिवार ने राज किया, उन्होंने अपने परिवार के लिए स्मारक बनाए, अपने परिवार के लोगों के लिए समाधियां बनाई, अपने परिवार के बंगलों को स्मारक में परिवर्तित किया, लेकिन देश के जवानों के बलिदान को याद करने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। भाइयों बहनों, ये चौकीदार ने आकर के सेना के जवानों की पीड़ा समझी और आज दिल्ली में आन बान शान के साथ मेरे देश के आजादी से लेकर के अब तक शहीद हुए वीरों का एक राष्ट्रीय स्तर का स्मारक हमने बना दिया।
इतना ही नहीं दोस्तों, ये हमारे जो पुलिस के जवान दिखते हैं ना, ये ड्यूटी पर रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोगों को कभी कभी उनसे तकलीफ होती है तो हम उनसे झगड़ाई भी कर बैठते हैं, लेकिन कभी उस पुलिस वाले की जिंदगी की तरफ हमने देखा नहीं है। ताड़ हो, ताप हो, बारिश हो, वो पुलिस का जवान खड़ा होता है। रक्षाबंधन हो, होली हो, दिवाली हो, वो आपके लिए खड़ा होता है। देश को पता तक नहीं है, देश को पता तक नहीं, इन लोगों ने कभी बताया नहीं, इस देश में सामान्य मानवी की सेवा करते करते 33,000 पुलिस के जवान शहीद हुए, 33,000। आप भी इस आंकड़ा सुनकर के चौंक जाएंगे, यहां पुलिस के जवान भी खड़े होंगे, शायद उनको भी मालूम नहीं होगा कि 33,000 पुलिस बलिदान दिया है देश के लिए। एक पुलिस मेमोरियल बनाने के लिए तैयार नहीं थे। हमने दिल्ली में शानदार जगह पे आन बान शान के साथ पुलिस मेमोरियल खड़ा कर दिया और देश के उन 33,000 पुलिस जवानों के नाम पुष्प लगा दिए भाई। अरे जो लोग हमारे लिए जिंदगी खपा देते हैं, मान सम्मान उनका होगा कि सिर्फ एक परिवार का होगा? साथियों, देश के लिए मर मिटने वाले वीर बेटी बेटियों के लिए हम जितना करें कम है भाइयों, लेकिन कांग्रेस और उसके साथियों के लिए, सेना के वीर जवानों के लिए, उनकी सोच ही कुछ अलग है। आपको पता है, आप चौंक जाएंगे, और यहां अखबार वाले पता नहीं ये सब छापने की हिम्मत करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसी सरकार बैठी है कि आपके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। कर्नाटक में एक सरकार बनी है, कांग्रेस के कारण ही वो चल रही है। कर्नाटक की ये कांग्रेस वाली सरकार के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कोई सामान्य बात नहीं है, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा जिन लड़कों को पेट भरने के लिए कुछ है नहीं, भूखे मरते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे लड़के सेना में जाते हैं। ये आपका अपमान है कि नहीं है? राजस्थान की वीर भूमि का अपमान है कि नहीं है? जिन माताओं ने वीर पुत्रों को जन्म दिया है, उन वीर माताओं का अपमान है कि नहीं? क्या दो रोटी के लिए लोग सेना में जाते हैं? अरे देश के लिए मरने के लिए वो सेना में जाता है। मैं हर दिवाली, मैं कितने ही वर्ष हो गए, मैं दिवाली सीमा पर जाकर के जवानों के बीच में बिताता हूं दोस्तों, बहुत सालों से। पिछले दिनों में दिवाली में हिमालय की तरफ था तो एक सीनियर सोल्जर थे, कुछ बाल भी सफेद हो गए थे, सरदार थे, वो जरा डिसिप्लिन को इधर उधर करके मेरे पास आ गए। बोले साहब मुझे एक बात करनी है। मैंने कहा क्या? बोले मैं बहुत छोटा सिपाही हूं, अब मेरी उम्र हो रही है, कुछ समय के बाद मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा क्या? बोले साहब मैं ऐसे रिटायर्ड होना नहीं चाहता हूं, मुझे ऐसी जगह पर भेजो जहां मुझे सीना तान करके देश के लिए दुश्मनों को मारने का मौका मिले। कुछ महीने मेरे नौकरी के बच गए हैं, या मुझे जहां आतंकवादियों के सबसे बड़ा अड्डा हो वहां भेजिए, मैं देश के लिए कुछ करके रिटायर्ड होना चाहता हूं। अरे जिस देश के अंदर गरीब मां का बेटा भी इस सपनों को लेकर के सेना में जाता है, और एक मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री होती क्या चीज है जी,
ये प्रधानमंत्री क्या चीज होती है? अरे देश के लिए मरने मिटने वाले सब कुछ होते हैं।